जल, भूमि, अग्नि, वायु। बहुत साल पहले चारों राष्ट्र आपस में शांति से रहते थे। फिर सब कुछ बदल गया जब अग्नि देश ने युद्ध छेड़ दी। केवल अवतार चारों तत्वों का ज्ञाता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरत थी तभी वो गुम हो गया। 100 साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अवतार ढूंढ निकाला, एंग नाम का एक एयरबेंडर। हालांकि उसकी वायु सिद्धियां अद्भुत थी, फिर भी उसे जानना था कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है। हाँ तो मुसाफिरों, अगली बार अगर तुमको किसी अजीब सी बड़ी चिड़िया की आवाज सुनाई दे तो उसे करीब से जाकर देखना। हो सकता है कि वो कोई विशाल तोता ना हो बल्कि एक उड़ने वाला आदमी हो। हवा में उड़ने वाले आदमियों की रहस्यमय टोली का एक सदस्य जो हमें चकमा दे रहा हो और उन लोगों पर हंस रहा हो जो उससे बंधे हुए हैं। एयरबेंडर लोगों की कहानियाँ कितनी अच्छी होती है ना। क्या ये सब सच है? ऐसा सचमुच हुआ होगा? मैं भी तो हमेशा चकमा देता हूँ गुरुत्वाकर्षण को। बमचिक बमचिक। माफ करना। ओ, ये तो मेरे से भी गरीब हैं। कहानी सुनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मेरी टोपी से कहो। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया नाने जानवर। एयरबेंडर की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। करीब 100 साल पहले आपके दादाजी उनसे मिले होंगे। क्या कह रहे हो तुम बच्चे, तुम्हारे दादाजी पिछले हफ्ते ही तो हवा में उड़ने वालों से मिले थे। हम उत्तरी इलाके के मंदिर तक पहुंच गए। यहीं पर आसमान में उड़ने वाले भैंसों के साथ खेल खेले जाते थे। क्या सचमुच हमने एयरबेंडर्स को खोज लिया है? क्या मैं तुम्हारी तरह झूठ कहूँ या फिर सच? तुम कह रहे हो मैं झूठी हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आशावादी हो, इसका यही मतलब है। देखो दोस्तों, वो क्या है? ये तो सचमुच एयरबेंडर्स है। मुझे तो नहीं लगता। क्या मतलब नहीं लगता? देखो वो लोग उड़ रहे हैं। उड़ नहीं रहे, वो ग्लाइड कर रहे हैं। इनको ठीक से देखो, ये एयरबेंडिंग नहीं कर रहे हैं। उनमें उड़ने वाला वो जोश ही नहीं है। कुछ भी कहो एंग, वो लड़का काफी जोश में है। इससे पहले कि हम जमीन पे गिरे हमें ढंग से नीचे जाना चाहिए। अरे वाह, मैं तो शायद ऐसा कर ही नहीं सकता, मगर ये देखो मेरी कलाबाजी। लगी? अच्छी थी। अरे तुम तो असली एयरबेंडर हो, ऐसा लगता है तुम अवतार हो। मैंने तुम्हारी कई कहानियां सुन रखी हैं। शुक्रिया। वाह, उड़ने वाली ये कुर्सी तो कमाल की है। तो फिर मेरे पिताजी की बनाई और सब चीजें देखो, दंग रह जाओगे।
वाह देखो। हाँ मेरे पिताजी ने इस पूरी जगह को तराशा है। यह हर चीज गर्म हवा से चलती है और इससे जो गर्म हवा निकलती है वो हम सबकी उड़ने में मदद करती है। ये जगह तो सचमुच अद्भुत है। हाँ महान जगह है ना? नहीं अविश्वसनीय है। एंग कई साल पहले यहाँ आया करता था, उसे आश्चर्य हो रहा है कि ये जगह काफी बदल गई है। अच्छी हो गई है। ये मेरे पुरखों का इतिहास है। शायद मंदिर के कुछ हिस्से पहले जैसे ही होंगे। चलो कम से कम ये हिस्सा तो पहले जैसा ही है। संभल के! ये क्या किया तुमने? देखते नहीं यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, काम चल रहा है। दूर रहो यहाँ से, हम नहाने की जगह बना रहे हैं यहाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने नहाने की जगह के लिए ये पवित्र स्थान नष्ट कर दिया है। अरे यहाँ के लोगों से बदबू आने लगी है। ये पूरी जगह बदबूदार हो गई है। ये एक पवित्र मंदिर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब यहाँ साधु रहते थे तो इसकी शांति, मुझे पता है ये जगह कैसी होनी चाहिए। भिक्षु, पर तुम तो सिर्फ 12 साल के हो। पिताजी ये अवतार है, ये 100 साल पहले यहाँ आ चुके हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत साल पहले की बात है, मगर 100 साल पहले से कम। भयानक बाढ़ की वजह से हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा था। मेरा नन्ना बेटा टियो बुरी तरह घायल हो गया और मेरी पत्ती चल बसी। मुझे इन सब के लिए एक जगह चाहिए थी। अचानक मुझे ये जगह दिखी, मैं दंग रह गया। यहाँ चारों तरफ उड़ने वाले लोगों की तस्वीरें थी, मगर यहाँ कोई दिखा नहीं मुझे। मगर फिर मुझे यहाँ पंख के साथ उड़ने वाले कई चीजें दिखी। वो ग्लाइडर थे। हाँ उड़ने वाली छोटी छोटी मशीनें। उन्हें देखकर मुझे एक नया आइडिया मिला। मैंने अपने बेटे के लिए उड़ने वाली एक नई मशीन बनाई। आसमान में एक नई दुनिया जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, ऐसा ख्वाब था मेरा। और फिर हम इस जगह को और भी ज्यादा सुंदर बनाने में लग गए। आखिर कुदरत भी तो यही काम करती है ना? कुदरत को उसकी सीमाएं पता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। बदकिस्मती से तरक्की हमसे दूर भागती चली गई। देखो शाम हो गई, चले हमें अंधेरे से पहले यहाँ की घेरियों को तेल देना होगा। रुको, पहले ये बताओ कि समय कैसे पता चला? इस मोमबत्ती में ऐसा क्या है? ये मोमबत्ती ही हमें समय बताती है। अब देखो। अच्छा तो तुमने इसमें गंधक डाल रखी है? जब ये 4 बार चमकती है तो हम समझ जाते हैं कि शाम हो गई है। यही हमारा समय जानने का तरीका है। अगर ये देखकर हैरान हो तो जरा ये देखो, ये है चाकू की धार बनाने का औजार। बहुत जल्दी धार बनती है इससे। मेरे पीछे आओ। सुनो एंग, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, ये जगह पूरी तरह बदल चुकी है। वो सब तो मैं नहीं जानता। भले मंदिर बदल गया हो मगर यहाँ के प्राणी तो वैसे ही हैं। ये उन्हीं जीव जंतुओं की अगली पीढ़ी है जो यहाँ सैकड़ों साल पहले रहा करते थे। सही कहा, ये मंदिर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर का एक हिस्सा ऐसा है जो पहले जैसा ही है। ये तो पहले वाले वायु मंदिर जैसा ही है। कोई एयरबेंडर ही इसे खोल सकता है, इसलिए इसके अंदर कोई नहीं जा पाया। और अंदर से ये वैसा ही है जैसा भिक्षु छोड़ गए थे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इसके अंदर है क्या। एंग मुझे माफ करना, मंदिर का सिर्फ यही एक हिस्सा पहले जैसा बचा है और मैं चाहता हूँ ये ऐसा ही रहे। मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, मुझे बस जानना था कि इसके अंदर है क्या। शुक्रिया। ये लालटेन तो बड़ी बेकार है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप लोग रोशनी के लिए जुगनू का इस्तेमाल क्यों करते हो? अरे बंद करो इसे, वरना जुगनू भाग जाएंगे। जुगनू इसलिए रखे हैं ताकि आग लगने का खतरा ना रहे। अपनी नाक पर हाथ रख लो और सांस रोक लो। मैं कुछ समझा नहीं, तुम मुझे इतनी दूर तक लेके आए एक खाली कमरा दिखाने। गलत, इस जगह पर कुदरती गैस भरी हुई है। मैं पहली बार ही इस जगह पर आ गया था, मगर उस वक्त मैं एक मशाल लेकर आया था, इसलिए यहाँ पर फौरन आग भड़क उठी और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। बहुत भयानक, देखो मेरी दोनों भवे भी जल गई।
खैर, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमें फौरन सुलझाना है। यहाँ समय समय पर गैस रिसने लगती है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो गैस रिस कहाँ से रही है। इसका मतलब यहाँ कभी भी धमाका हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो हमें इस गैस के रिसने को रोकना होगा। मगर ना तो ये दिखाई देती है, ना इसमें गंध है, ना इसे छुआ जा सकता है। हवा तुमको उड़ा ले जाएगी। हम सबके भीतर कुछ ऐसा है जो हमें उड़ाता है, कुछ हवा से भी हल्का, वही तुमको यहाँ पर उड़ा ले जाएगा। मेरा इरादा बदल गया है। मुझे नहीं लगता कि मुझ में ऐसी कोई चीज हो सकती है। वो कैसे हो सकता है? वो चीज हम सब में होती है। आत्मा? क्या? यही वो चीज है जो हम सब में होती है। हाँ, यही थी वो बात। तैयार होना। नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं उड़ सकती हूँ। अपना मुंह बंद रखो वरना कीड़ा चला जाएगा। डेव ने हवा के बारे में सही कहा था, बस इस पर भरोसा करो और तुम उड़ सकते हो। हालांकि डेव एयरबेंडर नहीं है, मगर उसमें वो जोश जरूर है। मैं सोच रहा था अगर तुम्हें मंदिर का वो हिस्सा देखना है तो मैं उसे खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, सुनो, इसे उतारा कैसे जाता है? कैसे जाता है? अगर मैं किसी कीड़ा, कीड़ा, मेरे मुंह में कीड़ा। मैंने कहा था ना किसी चीज को मत छूना। चलो कोई बात नहीं, ये तो कोई पुराना प्रयोग था और ये अंडा तो हमें बहुत पहले खाना था। कितनी बुरी अंडों की बदबू आ रही है। जल्दी उस अंडे को ढूंढो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार मंदिर का वो हिस्सा खुलने वाला है। एक ऐसी चीज जिसे आप देख भी नहीं सकते हैं, आखिर इतनी बुरी बदबू कैसे पैदा कर सकती है? मिल गया, यही है हमारी समस्या का हल। हाँ, अगर इस जगह पर सड़े हुए अंडे रख दिए जाए तो गैस जैसी ही निकलेगी। उसमें सड़े हुए अंडों की गंध मिलकर फैल जाएगी और गैस का पता चल जाएगा, और उस गंध के सहारे हम फौरन पता लगा लेंगे कि आखिर ये गैस रिस कहाँ से रही है, और हम तुरंत उस छेद को बंद कर देंगे। तुम बहुत होशियार हो। कुछ गड़बड़ी है, मुझे जाना होगा। सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम यहाँ अग्निदेश के लिए हथियार बना रहे हो। क्या तुम अग्निदेश के लिए हथियार बनाते हो? क्यों करते हैं आप, बताइए। जब हम यहाँ आए उसके एक साल बाद की बात है, अग्निदेश के सिपाहियों को हमारे ठिकाने का पता चल गया था। तुम बहुत छोटे थे डियो, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो इस जगह को जलाकर राख कर देंगे। मैंने उनसे मिन्नतें की और कहा कि हमें छोड़ दो। उन्होंने कहा कि बदले में मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। मैंने उनकी मदद करने की बात कही। समझने की कोशिश करो टियो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। वो यहाँ कब आ रहे हैं? जल्द, बहुत जल्द। इस बार आप उन्हें हथियार नहीं देंगे? अगर मैंने उन्हें हथियार नहीं दिए तो वो इस जगह को तबाह कर देंगे। आपकी बनाई चीजें लोगों को खत्म करने के काम में आ रही है, मुझे शर्म आ रही है आप पर। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ फौरन। हम नहीं जाएंगे। तो फिर छुप जाओ, जल्दी। तुम जानते हो मुझे इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। कहाँ है हथियार? मेरे पास वक्त कम है। क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? नहीं, आप इस तरफ आइए। किसी को हथियार नहीं मिलेंगे। अवतार, तुम यहाँ पर? एंग, तुम बीच में मत आओ। अगर मुझे हथियार नहीं मिले तो अग्निदेश के सिपाही इस जगह को जलाकर राख कर देंगे। यहाँ से चले जाओ, आज के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर इस जगह की तबाही का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। ये बुरा है, बहुत बुरा।
एंग, अब हम क्या करेंगे? हम आखिर उनका मुकाबला कैसे करें, बताओ? मैं बताता हूँ कैसे। मेरे पास कुछ है जो उनके पास नहीं, हवा की ताकत। हम आसमान को काबू में कर सकते हैं। अग्नि देश के लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। हम उन्हें हरा देंगे। मैं मदद करना चाहता हूँ। जरूर, हमें जरूरत है। आखिरकार युद्ध का गुब्बारा काम करने लगा है। ये सब सोका का कमाल है। बहुत ही होशियार लड़का है ये। शुक्रिया, होशियार तो आप हैं। शुक्रिया। पुराने गुब्बारे में दिक्कत ये थी कि उड़ने के बाद उसे रोकना मुश्किल था, जिससे काफी परेशानी होती थी। ऊपर एक छेद बना सकते थे, लेकिन सारी गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। हाँ, तो ये बताओ कि गर्म हवा को इसके अंदर कैसे बनाए रखा जाए। हम इतने होशियार कहाँ। इसका जवाब है ये ढक्कन। अगर हम गर्म हवा को काबू कर पाएंगे तो गुब्बारे को भी। ये तो काफी होशियारी वाली बात हुई। सुनो, हमारे पास चार तरह के बम हैं। धुएं वाले, आग वाले, गंदगी वाले और बदबू वाले। बदबू की ताकत को कभी कम मत समझना। वो आए। क्या हम तैयार हैं? हाँ, पर सौ का युद्ध का गुब्बारा लेकर कहाँ गया? उसके बिना ही काम चलाना होगा। कैसे रोका जा सकता है? तुमको याद है मेरे पिता संतुलन का एक प्रयोग कर रहे थे, जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है? शायद उससे काम बन जाए। पानी? क्या तुम मुझे उसके करीब ले चलोगे? क्यों नहीं, जरूर। सुनो, वो हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं?
उनको भ्रम हो गया है, उनको लगता है हम उनके साथ ही हैं। तो फिर उन्हें ये बम भी नहीं दिखेगा। थम से गिरेगा बम। हम तो गए काम से, ये तो आखिरी था। कुछ महसूस किया? तुम्हें बदबू आई क्या? सड़े हुए अंडे की बदबू। वो देखो, गैस वहां से निकल रही है। ये क्या कर रहे हो? ये हमारे लिए ईंधन का स्रोत है। हमारे पास बस यही एक चारा बचा है। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों का यहाँ का रहना अच्छी बात थी। ये बिल्कुल खोल वाले केकड़े जैसी बात है। तुम लोग यहाँ पैदा नहीं हुए, मगर तुमने इस खाली जगह को अपना घर बनाया और अब एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हो। तुमने हमारी बहुत मदद की है, शुक्रिया। एंग, तुमने हवा की ताकत के बारे में सही कहा था। जब तक हमारे पास हवा है, हम अग्नि देश वालों को मजा चखाते रहेंगे। ये हार आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी जीत बनने वाली है।